साजिश। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर यह सवाल उठाए गए, पुलिस जांच पर सवाल उठाए गए पिता की ओर से। उन्होंने कहा कुछ ऐसा होता, पैसे का लेन देन होता तो हमें पता होता, लेकिन ये एक सियासी साजिश की गई, मेरे बेटे की हत्या की गई, झूठी कहानी बनाई गई, इस तरह के आरोप लगाए गए के पिता की ओर से। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपके सामने, पुलिस जांच पर विकास चौधरी के पिता ने सवाल उठाए। देखिए साहब, ऐसा है, ये पुलिस की जो थ्योरी है इसके बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती परिवार के किसी भी, मेरा बेटा पूरा सामाजिक और लोगों के तन मन धन से लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ था, और अब ये मतलब इस तरह की झूठी कहानी बना के जो असली जो मोटिव है हत्या का उसको छुपाया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या मोटिव है असली, क्या आपको क्या लगता है? देखो इसमें ये तो अभी कुछ भी कहना मेरे लिए भी जल्दबाजी होगा कि, लेकिन ये है इसमें कि इसमें जहाँ तक वो जो बताया जा रहा है पैसों का लेन देन, अगर ऐसा कुछ भी होता तो परिवार के किसी भी सदस्य को कभी तो वो हमारा मेरा बेटा जो है किसी कोई इस तरह की बात शेयर करता? क्या पुलिस झूठ बोल रही है? हाँ जी, पुलिस झूठ बोल रही है। मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही। क्या आपको कोई ऐसी जानकारी है कभी विकास बात करता हो घर में परिवार में, क्या कौशल से कोई मुलाकात या कुछ चर्चा का भी नाम सुना हो? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं। रंगदारी वाला आपको लग रहा है कि रंगदारी वाला कोई ऐसा मामला, कभी रंगदारी किस तरह की मांगी गई हो विकास? टोटली रॉन्ग। तो क्या आप क्या चाहेंगे, आप कोई कुछ अलग से जांच चाहेंगे इसकी, या जो जांच कर रही है पुलिस वही? देखो मैं तो मेरी बात कि कानून में विश्वास करता हूँ। अब ये देखो जो एक वीडियो क्लिप मीडिया में जो जारी की वो जो जिम में, शायद जिम से उनको मिली होगी वो वीडियो क्लिप, उसमें वो साफ नज़र आ रहा है, वो नौजवान लड़के 18-20 साल की उम्र के लग रहे हैं, और वो जिस हिसाब से ये जिस हिसाब से उन्होंने वो उसको उसकी टाइमिंग और शूटिंग में मतलब जो शॉट मारे हैं उन्होंने, तो वो प्रोफेशनल किलर ही हो सकते हैं। अब वो किसने उनको भेजा, वो उसके पीछे असली माइंड क्या है, कौन है वो, उसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। तो क्या आप जो पुलिस की थ्योरी को नकार रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल नकार। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र धैया जी। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पिता का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है, क्या कुछ कहेंगे आपके पास, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गुरजोत के यहाँ पर जो उनके पिता हैं उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है उसको गलत बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका किसी से कोई लेन देन नहीं था, अगर लेन देन होता तो विकास जरूर घर में चर्चा करता, लेकिन ऐसी कोई भी बात उनके संज्ञान में नहीं थी, और कहीं ना कहीं मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, और क्या कुछ कहते हैं पुलिस वाले, पुलिस का क्या कहना है इस पर सुनते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही मामले को सुलझा लिया है, और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक नरेश रूप चांद है जो कि कौशल का नौकर है 4-5 साल से, और एक उसकी वाइफ है रोशनी, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अंदर जो नरेश रूप चांद है इसने
वेपन्स अवेलेबल करवाए थे जिन लोगों ने मर्डर किया है। दो लोगों की उसमें पहचान भी हो चुकी है, एक के विकास उर्फ भल्ले गुड़गांव का रहने वाला है और एक सचिन खेड़ी है, वह एक दो अन्य लोग इसके अंदर शामिल थे। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज से भी इसने आइडेंटिफाई किया है जो उसका नौकर है चांद कि हाँ यही व्यक्ति है जो कि मेरे पास वेपन लेने के लिए आया था, जिसको मैंने वेपन सप्लाई किए थे। और जो SX4 गाड़ी जो वारदात के अंदर यूज हुई है उस गाड़ी को भी उसने पहचान लिया कि हाँ यही गाड़ी है, और उस गाड़ी को इसने बरामद भी करवाया है। इसकी निशानदेही के ऊपर हमने जो गाड़ी वारदात प्रयोग की थी वो चांद की निशानदेही के ऊपर हमने बरामद कर लिया। सीसीटीवी में कौन कौन लोग हैं जिनकी पहचान हुई? सीसीटीवी के बेस के ऊपर अभी सिर्फ विकास और माले जो गुड़गांव का रहने वाला है उसी की पहचान हो पाई है, जो मारने में था, जो मारने के अंदर दो लोग थे उसमें तो दोनों, सचिन खेड़ी भी है साथ में शामिल था, क्योंकि इसने वेपन्स जो है वो विकास और माले को भी अप्लाई किया है और साथ साथ में सचिन खेड़ी को भी इसने वेपन्स अवेलेबल करवाए। सौरजिंदर, साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी की और जांच करी, लेकिन ये पूछना चाहूंगी कि जो उनके पिता है वो किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो साजिश जो है वो सियासी तौर पर इसको बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी वो उनका साफ तौर पर जो कहना है वो यही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और जो पुलिस मामला बता रही है कम से कम वो मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई बात होती तो वो जरूर घर में इनको जरूर यहाँ पर कोई ना कोई बात बताते, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा उन्होंने यहाँ पर इशारा नहीं किया था कि जो लेन देन का कोई मामला सामने उनको लगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजिंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और पुलिस अपनी तरफ से अपना कार्यवाही करती हुई बता रही है कि हमारी तरफ से ये गिरफ्तारी हुई और हम जांच कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या मामला जो आगे मोड़ लेता है, क्योंकि साफ तौर पर पिता का कहना है कि एक सियासी तौर पर साजिश की गई। तो बता दें कि विकास चौधरी हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेसी नेता विकास चौधरी जिसका कत्ल हुआ, गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक औरत महिला और एक नौकर को। गैंगस्टर कौशल की पत्नी रोशनी और नौकर नरेश उपचंदा गिरफ्तार है इस मामले में। क्या कार्यवाही कर रही है पुलिस ये भी हमने सुना। नौकर नरेश उपचंदा ने हत्यारों को हथियार मुहैया करवाए। गैंगस्टर कौशल हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है। गैंगस्टर कौशल कौन ये आपको बताया, गुड़गांव पुलिस में कौशल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ के पास भी कई मुकदमे दर्ज। गैंगस्टर कौशल की पत्नी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं और आरोपी रोशनी फिलहाल बेल पर बाहर आई हुई थी, जिसको अभी गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर कौशल दुबई में छिपकर बैठा है। कौशल की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। गैंगस्टर कौशल दिल्ली एनसीआर में अपना राज स्थापित करना चाहता था। अभी ग्राफिक्स के लिए आपको बता रहे हैं, अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर कौशल ने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में अपनी फौज खड़ी की हुई है। कौशल की गैंग में 53 बदमाशों समेत 6 शार्प शूटर भी शामिल है।